नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वह है आपका EMI एक्सटेंशन के ऊपर। हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और जल्दी से इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया कोविड-19 की इस पैंडेमिक बीमारी को झेल रही है, और दोस्तों इसके अंदर आज जो इस कारण से जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है, तो आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी अपने बैंक्स जिसमें नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक्स और NBFC, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप अपने सभी ग्राहकों को जिन्होंने किसी भी तरह का मॉर्गेज लोन या होम लोन लिया हुआ है, उनके लिए आप अपना 3 महीने तक का EMI एक्सटेंशन दें। तो दोस्तों, मैंने कई बैंकर से बात की जिसमें यह फैक्ट सामने निकल कर आ रहे हैं कि उनके जितने भी ग्राहक हैं उनको अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। यानी कि कोई NBFC अपने ग्राहक को एक मैसेज के थ्रू भेज रहा है और उसमें ग्राहक है उससे जो लिंक भेजी है उसके थ्रू वह अप्रूवल लेना चाह रहा है, क्या आप अपना 3 महीने का एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। दूसरा, कई नेशनलाइज बैंकों ने तो डायरेक्टली अपने सिस्टम को इस तरह से चेंज कर दिया है कि 3 महीने तक EMI हिट ही नहीं होंगी। दोस्तों, अभी कौन सा बैंक किस तरह से है, मैं अभी इसको इस वीडियो में कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक सारी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, और कई बैंक तो यह बात कर रही हैं कि अपने ग्राहकों को और भी लोन क्यों ना प्रोवाइड किया जाए। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, मेरी बात हुई है कि उनके कैश क्रेडिट लिमिट अगर चल रही है तो ऐसी स्थिति में उन्हें और थोड़ी सी लिमिट बढ़ा दी जाए। अब दोस्तों, इस स्थिति के अंदर हम अगर एक मोटे मोटे सरसरे तौर पर बात करें तो यह स्थिति सामने निकल कर आ रही है कि 70 से 80% तक के जो बैंक्स NBFCs हैं वह अपने ग्राहकों की EMI को उनके अकाउंट में बैलेंस हो या नहीं हो हिट करेंगे ही करेंगे। यानी आपके अकाउंट में एक बार तो बैंक की EMI हिट होगी, यानी आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो वह EMI बाउंस कहलाएगी। लेकिन दोस्तों, से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि RBI ने साफ किया है कि इन 3 EMI में अगर किसी भी तरह का कोई किस्त बाउंस होती है तो उसे नॉन यानी कि आपकी अकाउंट्स को स्टैंडर्ड, यानी बैंक की भाषा में बात करें तो स्टैंडर्ड ही काउंट किया जाएगा। स्टैंडर्ड क्या है अब दोस्तों? स्टैंडर्ड यह है कि बैंक यह मानेगा ही नहीं कि आपकी किस्त बाउंस हुई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैं आपको इस मुद्दे पर लेके जाना चाह रहा हूँ वह है कि आपका EMI एक्सटेंड होने से आपको होने वाला नुकसान। तो दोस्तों, इस नुकसान की भरपाई या जानकारी करने के लिए हमें यह देखना है कि क्या मैं अगर 3 महीने का एक्सटेंशन लेता हूँ तो मुझे कितना नुकसान झेलना होगा। तो दोस्तों, इसी के लिए हमने कोशिश की आपके लिए कुछ अच्छा करने की कि हमने एक ऐप है, आपको सर्च करना है CA पीयूष मित्तल EMI, या आप EMI एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर जिसे आप देख सकते हैं इस वाले फॉर्म में, और हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ कोशिश की है कि आपको कुछ हमारी तरफ से मदद मिले। तो दोस्तों, यह आप देख सकते हैं, इसमें एक हमने लोन कंपैरिजन यानी दो लोन के कंपैरिजन को जोड़ने की कोशिश की है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो आपने टोटल लोन लिया है उसका आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। दो टोटल लोन का अमाउंट हम देख लेते हैं क्या रहा है। अब यहाँ पर मान के चलते हैं हम कि यहाँ पर आपने 30 लाख का लोन मान लीजिए, हमने 30 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, और 30 लाख के लोन के लिए हमने आपको 30 लाख के लोन के लिए हमने आपको यहाँ पर डाटा डाल दिया है। दोस्तों, इसी तरह मान लीजिए, मान के चलते हमारा ये होम लोन है और 8.25% की रेट पर यह लोन हमारा चल रहा है, और मान लीजिए हम मान के चलते हमने ये 20 साल के लिए लिया होता है तो हमारे लिए क्या किस्त आती है। तो दोस्तों, हम देख पाएंगे हमारी किस्त आ रही है 25,562 रुपये। अब दोस्तों, सेम इसी फिगर को मैं डालता हूँ यहाँ पर 30 लाख को, और हम लोग देखते हैं कि हमारी रेट भी सेम रहेगी क्योंकि हम रेट में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आपसे रेट किसी तरह की ज़्यादा नहीं ली जाएगी, लेकिन आपका वक्त है वह मान के चलते हैं 3 महीने बढ़ जाता है, यानी 243। तो दोस्तों, इस केस में हम लोग अपनी EMI कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं EMI तो छोटी हो गई लेकिन वक्त बढ़ गया है, तो इस कारण हमें कितना ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ा आप देख सकते हैं कि 3 महीने की EMI के कारण। अगर आज की स्थिति में मैं यह कैलकुलेशन निकालूं तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने 31,81,451 की जगह
31,34,000। यानी आप अगर मोटा मोटा तौर पर, हम एक बार इसको कैलकुलेटर से निकाल कर देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन आ रही है दोस्तों। यानी आपको सीधे सीधे तौर पर 46,000 रुपये का ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ा है। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो आप इस ऑप्शन को नहीं भुनाएं और अपनी ईएमआई वक्त पर चुकाएं। लेकिन अगर आपकी स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि मैं अपनी किस्त नहीं चुका पाऊँगा, तो ही आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि वह अपना ब्याज का नुकसान कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।